आप लोगों ने अमेज़न या फ्लिपकार्ट से कोई भी सामान खरीदा और किसी रीजन से आपने रिटर्न कर दिया, पैकेजिंग बिना खोल ली, तो अमेज़न की पॉलिसी क्या है, वो उस प्रोडक्ट को दोबारा नहीं बेचता। ऐसा उनके एक लिक्विडेशन पैलेट्स में चला जाता है और एट द एंड ऑफ मंथ वो लगभग 100 करोड़ रुपए का माल लिक्विडेट करते हैं इन वेरी चीपर प्राइसेस। तो वो सामान हम खरीदते हैं। 100 करोड़ का नहीं खरीदता है, 100 करोड़ का नहीं खरीदता ये, मतलब 100 करोड़ का कुछ पोर्शन खरीद लेते हैं, मतलब कुछ लाख का नहीं। ये अच्छी चीज है यार, नई चीज है ये तो, मेरे को भी नहीं पता थी। उसमें सब कुछ आता है, भाई GoPro भी आता है। हाँ, वही मैं पूछने जा रहा हूँ। वॉचेस भी आती है, मैं इसीलिए कह रहा था अगर वो वॉच 40,000 की है तो मेरे को 25 तक मिल जाएगी। लेकिन वो जो प्रोडक्ट होते हैं Amazon से जितने ज्यादा सब ओपन बॉक्स कैटेगरी में हो जाते हैं। नहीं मतलब ये कहना चाहते हो कि अगर मैं GoPro मंगाया ठीक है और मैंने उसको रिटर्न किया खोल के, हाँ अगर तुमने उसका बॉक्स सील ओपन कर दी तो वो Amazon पे दोबारा नहीं बिकेगा, वो लिक्विडेट होगा। फिर वो Amazon कोई गारंटी नहीं देता इस पे, गारंटी नहीं देता। आपके फोन में ही कुछ फ्लॉ हो गया ना, मैन्युफैक्चरर रिटर्न कर दिया। मोस्टली प्रोडक्ट रिटर्न इसलिए होता है, लोगों को पसंद नहीं आया, शौक शौक में मंगा लेते हैं रिटर्न पॉलिसी देख के। तो मोस्टली रिटर्न वो होते हैं, लोगों को पसंद नहीं आया उन्होंने रिटर्न कर दिया। पर ऐसा भी हो सकता है खराब हो और इसके पास आ जाए और फिर तू उससे खरीदेगा तो तेरे पास कोई वारंटी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है, उसमें कई बार थोड़ा बहुत 5% डिफेक्टिव भी निकलता है तो वो कॉस्ट भी हमको ऐड करनी पड़ती है। बाकी गाड़ी की कोई बात करना चाहता है क्या? गाड़ी के बारे में हम बात कर रहे थे, गाड़ी कैसी लग रही है ओवरऑल? ये मेरा मुक्का लगेगा मुंह पे ध्रुव की तरफ से। ध्रुव कहेगा भाई नहीं, दिस इंटीरियर होता कि इसको उतारो। ये देखिए गाइस, वो देख, ओवरलोडिंग बोलते हैं भाई इसको, बोलते हैं हरियाणा में भरोटा। अरे बाप रे, खींच लेंगे। ये देखियो, ये भी पलटे भाई इसको, ये सामने देख लो। 8.3 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज दे रही है गाड़ी, ये आई थिंक इसका मैक्सिमम होगा। ये 8-9 के अराउंड ही चलती है। मेन पर्पस टू शो ये सारा डाटा वाज टू शो यू द माइलेज, कितना दे रही है अभी और कितना देती है इज अ बिग क्वेश्चन फॉर ऑल द इंडियंस बाइंग अ न्यू कार। एमजी हेक्टर 1.5 सीवीटी शार्प है, कंप्लीटली फुली ऑटोमेटिक, मतलब आपका लिफ्ट पंजा फ्री रहेगा। नीदर इज हमारा डिस्टेंस, हम 108 किलोमीटर दूर हैं अब अपनी डेस्टिनेशन से, 2 घंटे 11 मिनट बचा है ऋषिकेश। और ये हैं रोड्स, लकीली अच्छी हैं ये वाली, मतलब ऐसा एक भी खराब रास्ता हमें मिला नहीं है, मतलब सिटी के अंदर से हम नहीं जा रहे हैं, बाहर बाहर से ही निकल रहे हैं, विच इज़ गुड। पीछे दो लोग सो चुके हैं, रमन की ये वाली अगर मैंने वीडियो गलती से डाल दी तो रमन मेरे को जान से मार दे। हाँ ये वाली डाल सकता हूँ, रमन सो गया है और सिंगल सो गया है, और सो जा सिंगल सो जा। रीजंस नोट करते रहिएगा गाइस। इसका एसी जो है कह रहा है जबरदस्त है, क्योंकि अभी रमन ने इधर से लेफ्ट वाले एसी बंद कराया क्योंकि उसके मुंह पे हवा लग रही थी। ये सारी चीजें यार इम्पोर्टेंट है यार, पीछे तक हवा जा रही है लेफ्ट वाले एसी की जानी, मतलब होता शायद वो उसी लिए ही है। पीछे वालों के ध्रुव के अकॉर्डिंग एसी बहुत अच्छा है, एक बार ध्रुव थोड़ी सी तारीफ करते एसी की। बहुत जल्दी कूलिंग कर देता है ये तो है, बीच में ऐसा नहीं लग रहा कि गाड़ी में गर्मी है, एक भी पॉइंट पे नहीं लगा मुझे तो। ध्रुव ने वेंटिलेटेड सीट्स लगा रखी हैं, अभी मैं भी ऑन कर लेता हूँ। मेरे को यूं था कि यार एवरेज कम हो जाएगी माइलेज ध्रुव की, पीछे से अपनी वो स्टार्ट कर दी है ठंडी हवा, वो पिछवाड़े में लगती है भाई, वेंटिलेटेड सीट सर्दियों में लगाता था ये तो, अभी ठंडी ठंडी हवा लग रही है पिछवाड़े पे लग रही है, वही बात है, अब अच्छी है, मजे आ रहे हैं यार। फास्ट टैग तो बड़ी जल्दी जल्दी किसी दिन खत्म हो जाएगा भाई फास्ट टैग। ध्रुव कितना बैलेंस है फास्ट टैग में? सो रहे थे अभी, जग गए हैं, मैं चुपचाप आराम से व्लॉगिंग कर रहा था। उठते ही गंद मचा दिया। वही वही तो जैसा मैं कह रहा था कि ये सीट जो है वेंटिलेटेड सीट है, ये एक प्लस पॉइंट है और बहुत कम्फर्टेबल सीट है भाई, मैं सीट से बहुत ज्यादा खुश हूँ, कहीं दर्द नहीं हो रहा, बैक में नहीं हो रहा, एस में नहीं हो रहा, कहीं नहीं हो रहा, मतलब मैं तारीफ कर दी लौटे थे बस दिखा दी थी भाई, बंदा ऐसे आराम से लेट के पसर के आ रहा है तो इससे ज्यादा कंफर्ट और कहाँ मिलेगा आपको बताओ। इन्होंने ना 7-सीटर कार को 5-सीटर कन्वर्ट कर दिया, मेरे को ऐसा लग रहा है। दिस इज आइडियली अ 7-सीटर लेंथ, इसमें तेरे को बूट स्पेस बहुत ज्यादा दे दिया इन्होंने, 500 लीटर के अराउंड बूट स्पेस दे दिया इन्होंने साथ में। ये क्या है गाइस, ये सवाल है हमारा सभी से, ये जो भी आपको दिख रहा है ये, और जूम कर दिया मैंने देखो, ये बता दो प्लीज इफ एनीवन कैन टेल, दिस इज द थिंग
एंड वी ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट इट टेस्ट. अरे ये गन्ने वाली वो है शायद. नहीं उसमें वो गोला सा होता भाई. इसमें ना जनरेटर सा भी है. दिस इज वो पुराने वाला इंजन है. थर्मोडायनेमिक्स की क्लास में हमने शायद तुमने पढ़ा हो या जो 11वीं 12वीं बजा रहे हो ना तो रहने दो. मैं फिर आउट हूं इस वीडियो से. ये मेरा एक्सपर्टीज नहीं है तो मैं आउट हूं इस वीडियो से. बता देना यार कमेंट्स में बता देना प्लीज कि क्या है वो भाई. आगे अर्टिगा में उतने लोग नहीं बैठे हैं जितने मैटीज में बैठे हैं. अर्टिगा इज अ 7-सीटर कार. ये मैटीज है. मैटीज उसकी आधी गाड़ी है. इसमें बंदे गिने जाए जरा प्लीज. बाप रे स्कूल के बच्चे बैठेंगे ये भाई. एक सेकंड गोदी में भी बैठे हुए हैं यार. गोदी में बैठे हैं आगे पीछे पीछे तीन उनकी गोदी में तीन भाई. ये सेफ नहीं है. मैं बस ये कहना चाहता हूँ इसका मजाक जोक अलग सही पर अगर उस गाड़ी को खुदा ना खास्ता कुछ होता है पक्के चल रहे रोड भाई. उसके सस्पेंशन पूरी दब चुकी है. डाइवू की गाड़ी है. डाइवू मैटीज. डाइवू कंपनी होती थी पहले. कभी चलती थी इंडिया. नहीं अब नहीं आती. बाकी रमन तेरा ये जो हेयर स्टाइल है ना जो भी जैसा ये किया है तूने ये मैं सोच रहा था शेव करके और ऊपर कम बाल रखने वाला जो स्टाइल है. हिम्मत नहीं होती. साइड से तो है ऊपर से कह रहा हूँ. कर ले छोटे ट्रिमर गुलाबी कर दूँ. धर्म के बारे में कुछ ना बोला जाए. एक्चुअली मैं बोल देता हूँ फिर भी. तुम मना कर रहे हो फिर भी. टॉलरेंस नहीं है. बात कोई भी हो एनीथिंग लाइक अगर यहाँ पे मैं हिंदू मुस्लिम या रिलीजन वर्ड भी यूज कर दूंगा ना अपनी वीडियो में या कुछ भी बोल दूंगा और इसके आगे पीछे मैंने क्या बोला है वो कम मैटर करता है. ये ज्यादा मैटर कर रहा है कि इसने हिंदुओं के बारे में बोल दिया. इसने मुस्लिम्स के बारे में बोल दिया. दूसरा ऑपोजिट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ऑफेंड हो जाता है और ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है. प्लस एक और चीज मैं ऐड कर देता हूँ. इट्स नॉट पॉलिटिकल पार्टी स्पेसिफिक. इट्स अ डीप रूटेड इंडिया का अपने देश का प्रॉब्लम. पॉलिटिकल पार्टी स्पेसिफिक नहीं है. इसको पॉलिटिकल बना दिया जाता है. नॉर्मल लॉजिंग के लिए जो होता है वो होटल होता है. FIR लॉजिंग के लिए जो होता है वो पुलिस स्टेशन होता है. हमारे ऊपर पक्का कुछ ना कुछ ऐसा कॉन्ट्रोवर्शियल तो निकल ही जाएगा इसमें. बिकॉज वी आर एट अ वेरी सेंसिटिव प्लेस. सेंसिटिव प्लेस इफ वी टॉक. इफ वी डोंट इट्स अ नॉर्मल प्लेस. दुर्घटना संभावित क्षेत्र है भाई ये. एग्जैक्टली माय पॉइंट. दुर्घटना संभावित क्षेत्र है ये. 33 किलोमीटर दिन दिन में पहुंच गए. ध्रुव की मेहरबानी. आइडिया किसका थोड़ा लेट तो मैं ही हुआ हूँ बट जल्दी चलने का आइडिया किसका था वो भी मेरा ही था. 9 बजे बोला गया था चलने के लिए. ठीक है पर मैंने मैंने कहा थोड़ा जल्दी बैड अर्ली टू राइज ऐसा कुछ. यस यस हर इसका 10 पैसा काटना चाहिए टोल. नहीं ये तो कंस्ट्रक्शन भाई ऐसा ही होता है. चाहे कहीं पे भी कोई भी ब्रिज ले लो तो वो बनाए ही ऐसे. अरे मतलब इसके ऊपर एक लेयर बना सकते हैं व्हिच इज ये बोल नहीं करते कुछ नहीं है कनेक्ट करके इन्होंने पीछे. हाँ, तो वही कहीं की सड़कें देख ले यार. हाँ, मतलब वो वही पैसा है, पैसा पैसा कहाँ से आएगा. हमारे खाएंगे कितना बचाएंगे कितना और लगाएंगे कितना वो सारा सब इंक्लूड होता है. वो एक जोक भी था ना इसके ऊपर. तीन लोगों से कोटेशन लिया था एक ब्रिज बनाने का. एक ने दिया 100 करोड़ एक ने 300 करोड़ एक ने दिया 900 करोड़. तो उससे पूछा गया भाई तूने 900 करोड़ कैसे दिया. कहता जी 300 मेरे 300 आपके 300 करोड़ देके ब्रिज उससे बनवा लेंगे जिसे 300 करोड़ का कोटेशन दिया. यार मैं तो कह रहा हूँ केदारनाथ जो है 253 किलोमीटर है बट आवर डेस्टिनेशन इज ओनली 27 किलोमीटर अवे. ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर गाइस. आर्किटेक्चर नहीं मतलब आर्ट.
नमस्कार दोस्तों, ध्रुव ने एस्टिमेट किया था कि 8 घंटे लगेंगे हमें पहुंचने में। सुबह 8 बजे चले थे, ज्यादा ही लगे हैं भाई, 9 घंटे लगा दिए हमने। कि ऐसा जल्दी जल्दी नहीं आए हमने, काफी ऐसा बीच में ऐसा आधा डेढ़ घंटा तो मेट्रो के नीचे ही वेट किया, 1.5 घंटा तो इन्होंने मेट्रो के नीचे ही वेट किया है, पता नहीं किसका वेट किया है। ध्रुव ने स्पोर्ट्स मोड लगा दिया है, ध्रुव चला रहा है मस्त, यहाँ से ऊपर जाने का है। 10 मीटर क्या लिखा है? हाँ पीछे ऐसा घुमा के ऐसे। अच्छा मैं इसको घुमाऊं? ले लेना ऐसे अंदर घुसा, यहाँ से इधर घुमा के अंदर साइड में खड़ी कर देना। इधर तो ऊपर जाने में मुश्किल हो जाएगी भाई, पत्थर वत्थर पे चढ़ा दी थी, ऊपर जाके देखना पड़ेगा। नहीं वो देख के तो आ रहा है, तो वापस आ जाएगा इधर से? नहीं तो रुक जा फिर, यहीं रुक जा। यतन ने कह रहा है वापस नहीं आऊंगा। घोड़े के पैलेट्स, ये हिमालयन हाई बैंक है। आजो 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 ध्रुव को एस्कॉर्ट कर रहा हूँ। एक सेकंड, थोड़ी और इस साइड करनी पड़ेगी आपको। आ जाइए आपकी, आ जाइए। देखो गाड़ी चढ़ तो जाती है गाइस, ऑफ रोडिंग अगर करनी है इस गाड़ी से तो आप कर सकते हो। यहाँ तक बलिनो भी आई गई थी उनकी, वो अभी जो क्रॉस करके गए हमारे। फाइनली वी हैव मेड इट टू द लोकेशन, जो कि है माइजा रिजॉर्ट। आई नो, मेरे को पता था मेरा वो 3,500 वाला कमरा उससे अच्छा कोई कमरा ही नहीं मिलेगा हमें। हम मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, अभी इनको बोलो एक दिन रुक लेते हैं, आज रात को कल चेकआउट कर लेंगे। पहले अपना रूम तो देख लेते हैं, उसके बाद बात करें। पता चले पहले बात कर लियो, रूम अच्छा निकल गया।